या देखिए प्राइवेट अस्पताल के तरफ से बहुत अच्छा क्लिनिक लगाया हुआ है, जो इमरजेंसी काल में लोगों को तीर्थ स्थल पर आए हुए व्यक्तियों को इलाज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस तरह से ये बहुत सारे चिकित्सक हैं जो अलग अलग अंग से जुड़े हुए व्यक्ति का इलाज करते हैं और यह एक तरह से सेवा प्रदान करते हैं। अतः ये लोग भी यह पुण्य के भागी बनेंगे। देखिए किडनी और स्टोन का इलाज करने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ देखिए ये सब जो बागेश्वर धाम नौबतपुर पटना से स्थित, हम यह आपको ब्रॉडकास्टिंग लाइव दिखा रहे हैं, जो यह आप देख सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे चिकित्सक उपलब्ध है और यह जग को व्यवस्था के बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यह देखिए, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं जग स्तर का भंडारा का भी दर्शन कराऊंगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से यह बागेश्वर धाम बागेश्वर बाबा का फोटो है, जो यह काफ़ी स्मरणीय और रमणीय है। और वे उनके प्रवचन और भाषण से समाज पर, लोगों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। या इस तरह से एचमुखी निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा है, जो अत्यधिक गर्मी के कारण कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम हो या कोई व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम हो तो वह इलाज कर सकते हैं। यह देखा जा सकता है साफ, यह मेन गेट है, इसे आप दर्शन कर सकते हैं। और आगे मैं इस तरह से ले जा रहा हूं और आगे का दर्शन आपको आप कर सकते हैं। देखिए ये सब बहुत सारा चीज़, खिलौना मूर्ति चाट चाउमीन वगैरह का दुकान है, जो आप इसमें जब देखते देखते इसका आनंद ले सकते हैं। और ये देखिए लगभग 15 से 20 फीट का यह हनुमान जी का मूर्ति है, जो सुबह सुबह हनुमान जी के पंचकर्मा किया जाता है। और यह बहुत ही अच्छा दृश्य है। देखिए अभी भी लोग पंचकर्मा कर रहे हैं। भक्ति ऐसा हो सकता है हनुमान जी की, हनुमान जी को बताया जाता है कि यह कलयुग का देवता है। और इस तरह से मैं यह आपको डायरेक्ट वीडियो का लाइव दर्शन करा रहा हूँ। देखिए इस तरह से हनुमान जी को अत्यधिक मात्रा में नारियल ये सब भी अर्पित किया गया है, चूँकि यह सब कलयुग का देवता माना गया है। और वास्तव में हनुमान जी राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। और यह बहुत ही अच्छा दृश्य लग रहा है देखने में, और इससे तो रोजगार पैदा हो रहा है। जहां बिहार में एक बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तहाँ यज्ञ होने से, बहुत सारा यज्ञ होने से यज्ञ से जुड़े व्यक्तियों को रोजगार पैदा हो रहा है। और इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है। देखिए ये सब अगरबत्ती बद्धी सिंदूर ये सब देखिए, ये भाई लोग अगरबत्ती लोग खरीद रहे हैं, जग देखने आ रहे हैं। अच्छा बागेश्वर बाबा के कुछ ऐसा प्रेरणात्मक वाक्य बताइए जिससे आप प्रभावित होकर आप घर से यहाँ तक खींचे हुए चले आए हैं, आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। बाबा को हमको कथा सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। ठीक, आप ऐसे भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों से आप माध्यम से जुड़े ही हुईगा, क्योंकि टीवी और मोबाइल हर घर में है, तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। क्योंकि लाइव ब्रॉडकास्टिंग तो अभी कथा सुनना तो संभव नहीं है, अभी तो बहुत व्यक्तियों का भीड़ चल रहा है, इसमें हर जगह अव्यवस्था फैला है। लेंगे साक्षात, हाँ साक्षात कि बाबा को हम दर्शन कर सकते, फेस टू फेस देखे, दर्शन करें। ठीक ठीक, यही मनोकामना। ठीक ठीक, सब दिन देखते रहते हैं। हाँ जरूर जरूर, अवसर मेरा मिला कि मेरे बिहार में आए। ठीक, हाँ ठीक है ठीक है। देखिए बिहार में आने की तो बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ये
बेरोजगार राज्य में रोजगार की कितना बड़ा अवसर हो रहा है, इसमें लाखों करोड़ों व्यक्तियों का जीवन और पेट भरने के उपाय हो रहा है। आप जग से साक्षात आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में कितना अरब रुपया का टर्नओवर हो गया होगा सिर्फ और सिर्फ बाबा के आने से, यानी कि हमारा राज्य एक सशक्त राज्य की ओर बढ़ रहा है। अतः मैं इस वीडियो दिखाकर सबसे बड़ी खुशी यही बात है कि यह मेरा बिहार आगे बढ़ रहा है, रोजगार हो रहा है, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। अतः नरेंद्र मोदी का सपना था कि भारत का हर राज्य आत्मनिर्भर हो, लेकिन बाबा को आने से बिहार आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा हमारे बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जो है, जो भारत बिहार में कितना बड़ा रोजगार के अवसर हो रहा है। अतः यह 13 मई से 17 मई के बीच में करोड़ों अरबों का रोजगार हो जाएगा और उस रोजगार का उपयोग पैसा कमा कर और उस पैसा का अच्छे कामों में आप उपयोग करके आप अपने जीवन को बढ़िया से बढ़िया सवार सकते हैं। देखिए वगैरह, ये सत्तू दुकानदार भाई है लोग हैं, ये रुद्राक्ष बिक रहा है, एक मुखी दुई मुखी त्रिमुखी रुद्राक्ष बिक रहा है। ये सब मैं ऑनलाइन आपको दर्शन करा कर और यह घर बैठे ऑनलाइन दर्शन कराने का मतलब है कि आप जग में आइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों को सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारिए और अधिक से अधिक आप लाभ कमा सकते हैं, जीवन को सुंदर बना सकते हैं, जीवन को सतयुग के तरह आराम इत्मीनान आरामदेह बना सकते हैं। आप समझ लीजिए, जब आप कोई गलती करते हैं तो गलती का प्रभाव 3-4 पुश्तों तक पड़ती है और कभी भी जीवन में शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। मेहनत वो गुण है, मेहनत वो चीज़ है जो पत्थर को भी मोम बना सकती है। इसलिए कभी आप ऐसा ना सोचे कि हमें कोई भी चीज़ फ्री में मिल जाए। कमा कर करने का मतलब है कि वह चीज़ स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है और वह अमृत तुल्य हो जाता है। आप सूखे रोटी ही कमा कर खाइए तो वह अमृत तुल्य हो जाता है, वैसा सुख अमृत के भोजन में भी उतना सुख नहीं मिलता है जितना कि आप मेहनत से कमा कर सूखे रोटी भी खाते हैं। तो इसीलिए आप यह देख सकते हैं और आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में कितना करोड़ों अरबों रुपया का रोजगार पैदा हुआ। यह इसी तरह से भगवान करे कि साल में 2-4 धर्मगुरु बिहार में आते रहें और बिहार को सुसंपन्न सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते रहें।